दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो अब कई लोगों के मन में उठने लगा है कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, जूस कंज्यूम करना या फिर टैबलेट्स कंज्यूम करना। दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप काफी ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मोदी केयर ने रिसेंटली अपनी साई वेदा आयुर्वेदिक रेंज इंट्रोड्यूस की है मोदी केयर वेल प्रोडक्ट्स में, और इसके चलते अब मोदी केयर के पास में आंवला जूस भी है, आंवला टैबलेट्स भी है, नोनी जूस भी है, नोनी टैबलेट्स भी है, और एलोवेरा जूस भी है और एलोवेरा टैबलेट्स भी है। ऐसे में कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या होंगी, टैबलेट्स होंगी या फिर जूस होगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के चलते आज हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं टैबलेट्स और जूस का कि ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम किस आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं। हम ऐसे 6 पॉइंट्स के ऊपर कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं बॉडी रिस्पांस के बेसिस पर, उसके बाद में टेस्ट, के बाद में शेल्फ लाइफ, उसके बाद में पोर्टेबिलिटी, उसके बाद में कॉस्ट, और लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे पावर का। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं बॉडी रिस्पांस के बेसिस पर। इसका मतलब ये कि जब आप टैबलेट लेते हैं तब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के लिए, या जब आप जूस लेते हैं तब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस जूस के लिए। तो दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब आप जूस कंज्यूम करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसका ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता है उसमें से एक्सट्रैक्ट्स निकालने के लिए, अच्छे पोषण को लेने के लिए, क्योंकि वो जूस फॉर्म में होता है। तो अगर आप टैबलेट्स लेते हैं तो पहले आपका स्टमक उस टैबलेट का ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद में से जरूरी पोषण और न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। अगर देखा जाए तो लिक्विड को या जूस को काफी कम समय लगता है आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होने में। ऐसा बताया जाता है कि लिक्विड को या जूस को 1 से 4 मिनट लगते हैं, और वहीं पर अगर टैबलेट की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि टैबलेट को 20 से 30 मिनट लगते हैं आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होने में। तो यहाँ पर देखा जाए तो जूस ज्यादा बेटर है। इसी बॉडी रिस्पांस में एक और पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि कितना प्रतिशत एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो एक प्योर जूस आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी फ्रूट का और वो लिक्विड फॉर्म में है तो बॉडी उसका 98% तक एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए टैबलेट की तो ऐसा बताया जाता है कि बॉडी उस टैबलेट का 39 से 53% तक एब्जॉर्ब कर पाती है। दोस्तों ऐसा हो सकता है ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो, किसी पर्टिकुलर सप्लीमेंट के लिए वेरी करता हो, और इसीलिए हमने आपको जनरलाइज्ड स्टेटमेंट ही बताया है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जूस ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद में अगर बात करी जाए टेस्ट की, दोस्तों किसी पर्टिकुलर जूस का टेस्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन अगर एक टैबलेट की बात की जाए, टैबलेट में पर्टिकुलर व्यक्ति कोई टेस्ट नहीं ले पाता है क्योंकि डायरेक्टली उसे स्वॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आंवला जूस ले रहे हैं तो आपको वो काफी खट्टा लगता है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन अगर आप आंवला टैबलेट ले रहे हैं तो यहाँ पर टेस्ट का कोई फैक्टर नहीं रह जाता है। तो अगर देखा जाए तो जूस कुछ सिलेक्टेड लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, लेकिन अगर टैबलेट की बात की जाए टेस्ट के बेसिस पर तो ये लगभग सभी के लिए प्रेफरेबल होगी। तो टेस्ट में देखा जाए तो टैबलेट्स बेहतर होंगी। इसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों शेल्फ लाइफ की, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने उस पर्टिकुलर पैकेट को खोल लिया है तो आप कितने लंबे समय तक का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वेल के जूसेस में लिखा हुआ आता है अगर आप उसे एक बार खोल लें तो आपको उसे 1 महीने के अंदर खत्म कर देना चाहिए। तो खुलने के बाद में जूसेस की शेल्फ लाइफ 1 महीने तक होती है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें टैबलेट्स की तो टैबलेट्स पर इस तरह से कोई भी बात मेंशन नहीं की जाती है। तो अगर शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर टैबलेट्स बेटर दिख रही हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों पोर्टेबिलिटी की, इसका मतलब कि आप कितनी आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी जूस बॉटल को लेकर के कहीं पर ट्रेवल करते हैं या कहीं साथ में लेकर के जाते हैं
तो ये उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी सप्लीमेंट को टेबलेट पैकिंग में लेकर के जाते हैं तो ये काफी हैंडी है, ये काफी कॉम्पैक्ट है, आप आसानी से इसे कैरी करके कहीं पर जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ सिलेक्टेड टैबलेट्स की ही जरूरत है तो आप इसी तरह से अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो अगर पोर्टेबिलिटी की बात की जाए दोस्तों तो वहां पर भी टैबलेट्स बेटर हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर कॉस्ट की बात की जाए तो अगर आप नोनी जूस लेते हैं तो इसके ऊपर आपको MRP मिलती है 500 रुपीज, लेकिन वहीं पर आप नोनी टैबलेट लेते हैं तो उस पर आपको MRP मिलती है 585 रुपीज। वहीं अगर आप आंवला जूस लेते हैं तो आपको उस पर MRP मिलेगी 320 रुपीज, और वहीं पर अगर आप आंवला टैबलेट लेते हैं तो आपको MRP उस पर मिलेगी 220 रुपीज। वहीं अगर एलोवेरा जूस की बात की जाए तो जूस की MRP है 300 रुपीज और एलोवेरा टैबलेट की MRP है 320 रुपीज। दोस्तों इसमें देखा जाए तो किसी में जूस इकोनॉमिकल है, किसी में टैबलेट इकोनॉमिकल है। और अब अगर आखिर में बात की जाए दोस्तों इनकी पावर की कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है, दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि मोदी केयर वेल के जूसेस में ये मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ जूस में आपको क्या एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, कितने मिनिमम एक्सट्रैक्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे ही सही, और ये किन किन एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप इन साई वेदा आयुर्वेदिक टैबलेट्स की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इनके अंदर कौन से एक्सट्रैक्ट्स हैं और हर टैबलेट के अंदर आपको कितना मिनिमम एक्सट्रैक्ट मिलेगा ही। तो अगर इन दोनों को इस आधार पर कंपेयर किया जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि जूसेस के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मेंशन ना होने की वजह से इन्हें पावर के बेसिस पर कंपेयर करना सही नहीं होगा, जब तक कि हमें इन जूसेस के एक्सट्रैक्ट्स के बारे में भी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में आखिर तक बने हुए हैं तो ये बात तो तय है कि आप सीखते रहना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो अगर आप अपने इसी एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहते हैं, गुड न्यूज, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला ने अब अपना एजुकेशनल किट इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये किट जिसकी प्राइस है ओनली 99 रुपीज, इस किट को अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें मिलने वाला है एक कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप सीख सकते हैं अपने किसी भी तरह के बिजनेस को, आप कैसे शुरुआत में ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसकी एक ब्रांड इमेज बना सकते हैं, उसके बारे में सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको उस कोर्स में मिलेंगे। और इस किट में इसके साथ में आपको फ्री मिलने वाले हैं ऐसे 90 सोशल मीडिया पोस्टर्स जो कि मोदी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें कंटेंट मार्केटिंग है और उसके जरिए आप सोशल मीडिया पर अपने इन मोदी केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और इसी पूरे किट में आपको फ्री मिलने जा रहा है 101 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल, जो कि एक ई-बुक है जिसमें काफी डीप में कोकोनट ऑयल के यूजेस और फायदों के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा किट आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के लिंक पर जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आखिर में दोस्तों अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोदी केयर वेल टैबलेट्स में आपको ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैबलेट्स बेटर होंगी। और दोस्तों हमें जितनी जानकारी मिली और जितनी जानकारी हमने खोजी उस हिसाब से ये वीडियो हम लोगों ने आपके लिए पेश किया, जहां पर अलग अलग स्थिति के हिसाब से जूस भी अच्छा है और टैबलेट्स भी अच्छी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या लगता है दोस्तों हमें नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह इस वीडियो पर भी हम एम कर रहे हैं 500 लाइक्स के लिए। क्या मोदी केयर के ये प्रोडक्ट्स 500 लाइक्स डिजर्व करते हैं? ये इंसाफ सिर्फ आप ही कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ में। और दोस्तों अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप मोदी केयर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें उस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस का अपडेट आपसे मिस हो जाएगा और फिर हो सकता है कि कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए।